हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को 40 साइज स्लीवलेस ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले हम बैक पार्ट सिलाई करेंगे। बैक पार्ट में हम टैग सिलाई करना है। ये देखिए, हम टैग का निशाना देकर रखा है यहाँ से भी। तो हम टैग को देखिए कितने इंच तक लगा सिलाई करना है। यहाँ से हम हाफ इंच लेकर सिलाई करना है और आपको कितने इंच तक उठाकर सिलाई करना है आप अपने हिसाब से उठाकर सिलाई कर लीजिए। हम यहाँ से 3.5 इंच तक उठाना है और सिलाई हम हाफ इंच लेकर करना है। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए, टैग सिलाई कर लिया। अभी हम फ्रंट पार्ट सिलाई करना है। ये देखिए, हम कतरी का पार्ट को मिलाकर लेना है पहले। फिर हम यहां से देखिए हाफ इंच से ज्यादा लेकर सिलाई करना है। उसके बाद हम टैग सिलाई करना है। यहां से टैग देखिए 1.5 इंच पर हम टैग लगाऊंगे। उसके बाद हम यहां से जो पार्ट है इसको हम सिलाई करना है। तब हम दूसरा साइड सिलाई करना है। उसके बाद यहां से भी टैक्स लगाना है। ऐसे भी टैक्स हम 1.5 इंच का लगाऊंगे। उसके बाद देखिए इस पार्ट को इसमें हम ज्वाइन करना है। यहाँ से हम 1.5 इंच का रखूंगी और यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से 3 इंच। ये देखिए, युग पट्टी को इस तरीके से फुल करना है। ये देखिए 1 इंच जैसा फुल करना है। दूसरा साइड सिलाई करना है। देखिए, ये लेफ्ट साइड का हुक पट्टी है। इसको हम उल्टा साइड की तरफ से मिलाकर लेना है।
देखिए इसका हम खोपट्टी के ऊपर से एक सिलाई करना है। देखिए इस तरीके से सिलाई किया है और ये सीधा साइड है, देखिए और ये उल्टा साइड है। तो अभी हम इसको खोपट्टी को हम सीधा साइड की तरफ से फुल करना है। ये ज़्यादा लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा काट कर देना है। फिर देखिए इसको फुल करना है, ये देखिए इस तरीके से हम टू फुल करना है। उसके बाद हम दोनों पार्ट को जॉइन करना है। ये देखिए जॉइन हम सीधा साइड और सीधा साइड की तरफ से मिलाकर लेना है। ये इसको देखिए इस साइड में रखना है। यहाँ से हम 4.5 इंच पर रखूंगी, इतना तक। तब हम दूसरा साइड की तरफ से खोपट्टी सिलाई करना है। यहां से सिलाई करना है। फिर इसको देखिए इस तरीके से रखते हुए हम इसको सिलाई करना है। ये देखिए यहाँ से सिलाई करना है। उसके बाद हम इसको उल्टा साइड की तरफ से इस तरीके से फुल करना है। तब हम ऊपर से एक सिलाई कर देना है। ये सिलाई आप हुक सिलाई करने के बाद इसको खोल लेना है। उसके बाद हम नेक पट्टी सिलाई करना है। ये देखिए नेक पट्टी का हम सिलाई काट किया है। उसके बाद हमने कुछ छोटा छोटा काट लगाना है। काट आपको डियर में रखकर काट करना है, जैसे कि सिली काटना था। नेक पट्टी के साइड से एक सिलाई करना है। उसके बाद स्लिप के लिए कुर्ती सिलाई करना है। इसको हम देखिए उल्टा साइड की तरफ से सिलाई करना है। दूसरा साइड की तरफ से सिलाई करना है। इसको भी ठीक उसी तरीके से सिलना है। फिर देखिए इसको भी छोटा छोटा काट लगाना है आमहुल को इस तरीके से। दूसरा साइड की तरफ से भी काट करना है।
उसके बाद देखिए इसको फुल करना है इस तरीके से, देखिए सामने की तरफ से इसको फुल करना है। फिर देखिए कमर पट्टी के साथ से सिलाई करना है। ये ज्वाइन करने के बाद ही हम उसका फिटिंग्स नाप देकर सिलाई करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम फुल करके सिलाई करना है इस तरीके से, देखिए तो इसके बाद देखिए इसको इस तरीके से फुल कर कर सिलाई करना है। नेक पुट्टी सिलाई करने के बाद अब हम 40 साइज के हिसाब से सिलाई कर लेना है। ये देखिए 40 साइज स्लीवलेस ब्रैकेट ब्लाउज सिलाई कंप्लीट है। फ्रेंड वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।